नहीं है, इतना बहुत बुरा हाल है। 4 महीने के लगभग पहले का काम चल रहा है, खुदाई हो रही है। खुदाई करके चलो मान लो खुदाई कर रहे हो सीवर लाइन का, तो मिट्टी को साथ के साथ उठाना चाहिए। मिट्टी ये कोई रेतली मिट्टी तो है नहीं, चीकनी मिट्टी है। इतना बुरा हाल है फिर पूछो मत। मान लो यहाँ हमारी दुकान के आगे 10 मान लो एक दिन में 10 साधन चल रहे हैं, तो 10 में से 8 जने गिरते हैं, इतनी गंदी मिट्टी है। और दुकानदारी का हाल देखो बुरा हाल है, सुबह आते हैं फ्री होके बेले होके घर चले जाते हैं। प्लस पॉइंट देखो, ये मेन मंत्री रंजीत सिंह चौटाला की जो बिजली मंत्री है, उनकी गली मेन गली है ये, ठीक है। उनकी गली का हाल देख लो, उनकी घर के आगे जाके एक छोटा सा खड्डा भी होगा ना, वो मिनटों में पूरा जाता है। और यहाँ देख लो इतना बुरा हाल है, यहाँ पे तो गोरी नहीं की जाती। कहते हैं इसकी साफ सफाई कराई जाए और ये काम जल्दी से जल्दी करा जाए। काम इतना धीमा चल रहा है कि पूछो मत। इसकी यहाँ से मिट्टी की उठवान किया जाए और सफाई कराई जाए। ये गली दुष्यंत चौटाला और रंजीत सिंह बिजली महकमे की बिजली मंत्री की है, और इस गली का ये हाल है तो सिरसा वाकी का क्या हाल होगा। इसलिए देखा जाए तो बहुत ही बुरा हाल, ना दुकानदारी का हो रही है, ना ही कोई किसी, हर रोज़ 2-4-5 जने गिर रहे हैं, चोटें लग रही हैं। दिक्कत तो यही है, कीचड़ हुआ पड़ा है, ना दुकान पर कोई कस्टमर आ सकता है। जो भी आता है गिर जाता है, फिसलता है, चिकनी मिट्टी है। इसको 4 महीने हो गए काम चलते हुए, एक बार ठेकेदार को भी कह लिया और प्रशासन को भी कह लिया, कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। इसकी मांग इसी की है, इसकी मिट्टी उठाई जाए, सफाई कराई जाए और जो सड़क तोड़ी गई है उसको दोबारा से बनाए। कभी भी इस गली का कभी सुधार आज तक तो मैंने देखा नहीं है। आज 30 साल का मैं हो चुका हूँ यहाँ पे, इस गली का कभी सुधार नहीं देखा। जब भी कोई बनाने के लिए आता है उससे पहले तोड़ने के लिए आ जाते हैं, उससे पहले तोड़ने के लिए आ जाते हैं। हाँ जी, बनते ही नहीं है, उससे पहले तोड़ने वाले तैयार बैठे हैं। बारिश के मौसम में यहाँ से पैदल बाइक तो छोड़ो, पैदल चलने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ठेकेदारी जो कभी ये गली नीची है, कभी वो गली नीची है, किसी का कोई वो तो है नहीं, एक लेवल तो करते नहीं ना। कभी कभी कोई गली ऊंची कर दी तो उसका पानी इधर आ जाएगा, कभी उधर का इधर आ जाएगा, किसी का कोई मैटर नहीं है उस चीज़ में। जिस हिसाब से ये हाल चल रहा है, अभी वो सड़क उधर से बन चुकी है, लेकिन उसमें भी अभी आप देखोगे तो पानी मिलेगा कहाँ। तो ये मेन हाईवे से 8 इंच ऊपर रखनी थी, लेकिन अभी वो 3 इंच नीचे ही रखी हुई है, 3 इंच तक नीचे रखी हुई है। तो अब लेवल कहाँ से करेंगे बताओ, लेवल तो किसी के पास है ही नहीं ना। जो इंजीनियर आते हैं वो भी फेल हो जाते हैं यहाँ पे आके। जब नई सड़क बन जाती है तब इनको सीवर लाइन याद आती है, अभी हमारे यहाँ सीवर लाइन थी, हमारे यहाँ पाइप लाइन डालनी है, तब इनको ये चीज़ याद आती है। वही बता रहे हैं ना सर, ये तो तोड़ने के लिए तो तैयार बैठे हैं, बनती नहीं उससे पहले तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सर व्यवस्था ये है, देखिए अब लोग इतने टाइम से, काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और विधायक के प्रयासों के द्वारा कुछ मतलब ये स्ट्रॉम वाटर सिस्टम, इसके लिए पाइपों की अलॉटमेंट, टेंडर हुए, सब कुछ है। परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है ना, इस काम को हल्के में ले रखा है। अभी मुझे जैसे थोड़े दिन पहले पता लगा, अभी जो बरसाती पाइप डालने का काम है, जो पिछले 9 सितंबर को चालू हुआ था, जो कि पूरा तो 1 महीने में हो जाना चाहिए था, पर वो अभी तक मतलब कछुए के चाल चल रहा है, और अभी तक उसके बारे में कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहा प्रशासन सही ढंग से। और इसी को यही हालात है कि हर बार हल्की सी 10 mm की बारिश में भी यहाँ जल भरा होता है। कल दोपहर की बारिश है और अभी तक पानी नहीं निकला, पानी उतना ही है जी। चाहे हल्की सी बारिश आ जाए तो कहते हैं पेशाब भी अगर कुछ, हाँ आराम से जमा होता है जी। प्रशासन इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। अपील क्या है जी, मेरी बात सुनो जी, अब आपके आगे है सारी गलियाँ उखाड़ रखी है इन्होंने। लगभग मई के महीने में भाजपा के जिला अध्यक्ष का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जब लोगों का विरोध हुआ वो चले गए, उसके बाद पूरी अगस्त सैनिक लोगों की गड़ियाँ पाड़ के रख दी। भी अपील तो उस बंदे से करें जिसकी खुद की चलती हो, जिनका जिला अध्यक्ष को अपना काम करवाने के लिए भेड़े चढ़वानी पड़ती है कमेटी में जाकर, तो आम आदमी का काम नहीं हो सकता इस सरकार में। तो आपके आगे है, हालात माड़े हैं, प्रशासन को ना तो विधायक का डर लगता ना अफसरों का डर लगता। इसमें मैं अपने विधायक की कमजोरी मानूंगा, जो कि इन अफसरों के ऊपर लगाम नहीं खींच रहा किसी भी प्रकार की, और खुलेआम वो तानाशाही का काम कर रहे हैं।